मध्य प्रदेश कांग्रेस की बहुप्रतीक्षित प्रत्याशियों की सूची रविवार सुबह नवरात्र के पहले दिन जारी हो गई और 144 उम्मीदवारों वाली सूची में 69 विधायकों को दोबारा टिकट दिया गया है। इसके अलावा दूसरी सीटों पर पूर्व प्रत्याशी और नए चेहरे उतारे गए हैं। पीसीसी चीफ और पूर्व सीएम कमलनाथ को छिंदवाड़ा से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और विधायक कांतिलाल भूरिया का टिकट काट दिया गया है। उनकी जगह झाबुआ से उनके बेटे विक्रांत भूरिया को टिकट मिला है। वहीं पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह को राघोगढ़ और भाई लक्ष्मण सिंह को चाचौड़ा से प्रत्याशी बनाया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने बुधनी से रामायण सीरियल में हनुमान का किरदार निभाने वाले विक्रम मस्तान को टिकट दी गई है। भोपाल के 7 में से 3 सीट नरेला में मनोज शुक्ला, मध्य से विधायक आरिफ मसूद और बैरसिया से पूर्व प्रत्याशी जयश्री हरिकिशन को टिकट दिया गया है। यहां पर विधायक पीसी शर्मा की दक्षिणी पश्चिम समेत 4 सीट गोविंदपुरा उत्तर और हुजूर पर प्रत्याशियों का नाम घोषित नहीं किया गया है। वहीं केपी सिंह की सीट बदली और कांग्रेस ने बैतूल के 5 सीटों में से 4 सीट पर प्रत्याशी घोषित किए हैं, लेकिन भाजपा के कब्जे वाली आमला सीट पर अभी तक अपने प्रत्याशी का नाम नहीं ऐलान किया है। वहीं इंदौर 1 की अगर हम बात करें तो यहां से भाजपा की तरफ से कैलाश विजयवर्गीय हैं और उनके सामने कांग्रेस ने एक बार फिर संजय शुक्ला को ही प्रत्याशी बनाया है। वहीं पिछोर से 1993 से लगातार जीतते आ रहे केपी सिंह की पिछोर सीट बदलकर उनको शिवपुरी से प्रत्याशी बनाया गया है। पिछोर से शैलेंद्र सिंह को टिकट दिया गया है। इधर नरसिंहपुर जिले की बात करें तो यहां गोटे गांव सीट पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वर्तमान विधायक एनपी प्रजापति की टिकट काट दी गई। यहां से शिखर चौधरी को टिकट मिला है। वहीं घोड़ा डोंगरी में ब्रह्म भलावी का टिकट काट कर राहुल उइके को यहां से टिकट मिला है और गुनौर से शिवदयाल बागरी का भी टिकट कटा है। कंटगी से तामलाल सहारे का टिकट काटकर पूर्व सांसद गोद सिंह भगत को टिकट दिया गया है। उधर झाबुआ की बात करें तो यहां पूर्व केंद्रीय मंत्री और विधायक कांतिलाल भूरिया की जगह उनके बेटे विक्रांत भूरिया को टिकट दिया गया है। 2018 में विक्रांत भूरिया इसी सीट से भाजपा के जीएस डोमर को हरा चुके हैं। 2019 में जीएस डोमर ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था और सांसद बन गए थे। इसके बाद इस सीट पर उपचुनाव में कांतिलाल भूरिया ने जीत दर्ज की थी। 19 महिलाओं को भी कांग्रेस ने इस बार टिकट दिया है। 144 प्रत्याशियों में से 39 अन्य पिछड़ा वर्ग भी प्रत्याशी बनाए गए हैं। सामान्य वर्ग से 47, अल्पसंख्यक वर्ग से 6, अनुसूचित जाति से 22 और अनुसूचित जनजाति वर्ग से 30 उम्मीदवार हैं। वहीं उम्र के मुताबिक 50 साल से कम उम्र के 65 उम्मीदवार इस बार चुनाव मैदान में उतारे गए हैं और इसमें 19 महिलाओं को टिकट मिला है। अब बात करते हैं उन विधायकों की जिन्हें दोबारा प्रत्याशी बनाया गया है। तो शेवपुर से बाबू जंडेल, संबलगढ़ से बैजनाथ कुशवाहा, लहार से डॉक्टर गोविंद सिंह, ग्वालियर ईस्ट से सतीश सिकरवार, ग्वालियर साउथ से प्रवीण पाठक, भीतरवार से लाखन सिंह यादव, डबरा एससी से सुरेश राजे, करेरा से प्रागीलाल जाटव, शिवपुरी से केपी सिंह, चाचौड़ा से लक्ष्मण सिंह, राघोगढ़ से जयवर्धन सिंह, चंदेरी से गोपाल सिंह चौहान जैसे कई दिग्गजों के नाम इस बार लिस्ट में शामिल हैं। अब देखना है कि ये उम्मीदवार कांग्रेस के लिए कितने जिताऊ साबित होते हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।